अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके होस्ट अवेरिया सिद्दीकी। आज मैं आपके लिए रमजान ट्रांसमिशन फिर से लेकर आई हूं BPWS के प्लेटफॉर्म से। और मेरे मेरे साथ मौजूद हैं रोशनारा मोनी, वो अपना तारुफ खुद देंगी। अस्सलाम वालेकुम रोशनारा, कैसी अस्सलाम वालेकुम जहरा जी, कैसी आप? हैं? मैं ठीक हूँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। रोजा में थोड़ा सा थक जाते हैं बंदा, बस लाइफ इज जी गोइंग। ऊपर से कोरोना वायरस भी हमारे साथ दे रही है आजकल, तो जी तो आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन देंगी कि क्या करती हैं आप? और मैं तो वैसे मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, एनएचएस में हूँ मैं, तो हमारी ऊपर काफी जिम्मेदारियां है आजकल को तो पता है आपको। जी और ये 8 to 4 में करती हूँ, तो अभी थोड़ा सा काम कम है बिकॉज ऑफ द COVID-19। और म्यूजिक जो है मैं करती हूँ, मेरा ये पैशन है। मैं कर रही हूँ बहुत ही छोटी उम्र से, मैं कर रही हूँ जब मेरा उम्र 6 साल की थी तब से। तो इसके अलावा और ये आप ये सोशल मीडिया के थ्रू भी करती हैं आप, और इसके अलावा प्रोग्राम्स भी करती हैं? प्रोग्राम्स में ज्यादा करती हूँ, और ये मैं प्रोग्राम बहुत मिस कर रही हूँ आजकल। मुझे लग रहा है कि लोगों के साथ गुफ्तगू हो जाती है, लोगों के साथ बातें हो जाती, मिलना जुलना हो जाते, और अच्छे अच्छे गजलें नाते ये सब कुछ कर सकते हैं, और बहुत मिस करती हूँ मैं म्यूजिक। हाँ जी, जी होता तो है फिर ना, अभी ऐसा सिचुएशन भी ऐसी है कि कुछ भी आप इस तरह का कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, जी कुछ नहीं कर सो सकते। आप आज हमें नाते रसूल मकबूल सुनाना चाहेंगी? मैं कोशिश करती हूँ। मैं 6 मार्च को मेरा लास्ट प्रोग्राम था, तो इसके बाद मैंने सुर से एक गला से कुछ भी नहीं किया है, मैंने सुर भी नहीं लगाया। और मेरा लड़का एक डॉक्टर है, तो ऊपर से उसके लिए सारे दिन मेरा एक डर सा लगे रहते हैं कि कब कोरोना वायरस के बीमारी के सामने वो जाएंगे, तो ये भी बहुत ही डर की बात है। जी अल्लाह खुश रखा है, थैंक्स टू गॉड कि ही इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुनाती हूँ जी थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है? जी जरूर। तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू अमीरे हरम में फकीरे आजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन जी कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमाम है तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमाम है तेरा, मिंबर तेरा अरशे हरिम, मिंबर तेरा अरशे हरिम, आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम में फकीरे आजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा,
जा सुभान मन, अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत आपने शुक्रिया, कलाम पेश किया, और बहुत इसका मतलब भी शुक्रिया। बहुत अच्छा है कि तू कहाँ मैं कहाँ, वेरी और नाइस ये है हमारे इसके साथ लिए। ही हो रही है आजकल। बहुत अच्छा, इसके इस नात के साथ जो है इसकी मीनिंग भी बहुत अच्छे निकलते हैं, और बहुत अच्छा जो है इसने पैगाम दिया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जिसने भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा जो है ये आपने कहाँ से सीखा ये सारा सिंगिंग, ये सिंगिंग करना और ये राज और ये सारी चीजें, ये नात पढ़ना बताएंगी? गाना असल में फैमिली में मेरी बहन गाती थी थोड़ा बहुत, तो उसके साथ फैमिली में एक ट्रेंड थी, गाना आ गई है पहले। मैं काफी लैंग्वेज में गाना गाती हूँ, बता देती हूँ। मैं बंगला गाती हूँ, ओ उर्दू माशाल्लाह, गाती हूँ, उर्दू गाती हूँ, हिंदी भी कर लेती हूँ, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। और गाना असल में दिल से आते हैं, ये रूह वाली काम है, ये बहुत ईजी नहीं है, नहीं तो हर कोई हम कर सकते, लेकिन ये बहुत मेहनत की काम है। गला को आपको यूज करना पड़ता है बहुत ज्यादा, आजकल तो जी बिल्कुल ही प्रैक्टिस करने को जी नहीं करता है, क्योंकि हालात इतने बुरे हो गए कि आसपास इतने सारे लोग हमारे साथ छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुख जी दुख की बिल्कुल बात सही, है। दुख की और बात है जी। म्यूजिक में 6 साल उम्र से कर रही हूँ, और उर्दू आजकल मुझे ज्यादा पसंद है उर्दू गजलें, जो मेरा गजल, सबसे सबसे पसंदीदा, बिकॉज मुझे उर्दू शायरी से बहुत मोहब्बत है। ओ हालांकि माशाल्लाह, मेरा हस्बैंड भी एक शायर है, वो बंगला में लिखते हैं। अच्छा लेकिन अच्छा मैं भी उनका शायर भी पसंद करती हूँ, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अपनी जुबानी तो अपनी जुबानी होती है, लेकिन मिर्जा गालिब, मखदूम जी, और फैज साहब की कलाम, फराज साहब की कलाम, ताकि मेर की कलाम, जी, सबकी मुझे बहुत ही इंस्पायर करती। ये शोरा तो बहुत ज्यादा जो है मारूफ शोराज हैं, और सब लोग सुनते भी हैं, इनको पढ़ते भी हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है इसके अलावा आप काम भी करती हैं प्रोफेशनल, यानी एनएचएस के साथ जी नर्सिंग भी कर रही हैं, और साथ में आप अपने ये प्रोग्राम्स भी करती हैं, तो फेसबुक फॉलोअर्स वगैरह होंगे मेरे ख्याल से हाँ, आपके? मेरे फेसबुक पेज में 46 के प्लस फॉलोअर्स है, 46,000 प्लस फॉलोअर्स है मेरे ओ फेसबुक पे। माशाल्लाह, दैट्स क्वाइट मेरा गुड। यूट्यूब में मोर देन 5 मिलियन फॉलोअर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि आपको दुनिया के एक जगह से दूसरे कोने में आपको ले जाते हैं, तो जी, सोशल ये मीडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउअडेज। इसके अलावा आप बंगाली कम्युनिटी के साथ ही, ये BBWS के साथ इसके प्रेसिडेंट भी हैं, बंगाली कम्युनिटी। बिंगो, जी, दोनों के साथ हूँ मैं। बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे हर तरफ से मुझे प्यार मिलता है यार, ये भी बहुत बड़ी बात है, प्यार ये भी अच्छी मिलना बात चाहिए है। सबसे। जी, खास करके मैं जब म्यूजिक करती हूँ तब मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो मुझे जो प्यार मिला है, वो बहुत ही शुक्रिया आपका मैं बहुत क्या बहुत जी। बताऊँ, शुक्र गुजार हूँ मैं, शुक्र गुजार हूँ। तो इसके बाद आप कोई कलाम पेश करना पसंद करेंगे? अबीदा जी का एक मुझे एक आज बहुत अच्छे लगते हैं, अबीदा जी का सूफी कलाम जो है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत पसंद करते हैं उनकी कलाम, सूफी कलाम, तो मैं थोड़ा सुना देती हूँ, ठीक जी है। जरूर। आजकल की माहौल के साथ मुझे लगता है कि ये कलाम अच्छे होंगे। हमको यार दर दर फिराया यार ने, लाख मकाम घर बनाया यार ने, हमको यार दर दर फिराया यार ने, यार ने हमको यार दर दर फिराया यार ने, हमको यार दर दर फिराया यार ने, लामकाम यार ने हमको यार
दर दर फिराया यार ने। हाँ, बहुत जबरदस्त कलाम था ये, मैंने वैसे फर्स्ट टाइम सुना। ये किस, ये कैसे, ये शायर का कोई कलाम है? ये नियाज बरेलवी की कलाम है। ओ, यस नियाज बरेलवी की। ओके, जी नाम बहुत सुना है लेकिन ये कलाम मैंने फर्स्ट टाइम सुना। बहुत अच्छा आपने पेश किया, सुभान असल में अल्लाह। काफी दिनों से गाना बजाने के साथ बिल्कुल मैं डिटैच हो गई और मुझे जहन में नहीं आ रहा कि मैं क्या गाऊँ क्या करूँ। एक ही हर तरफ से प्रॉब्लम की प्रॉब्लम, लोग मायूसी का बातें करते रहती है, जबकि जी, ये हमारे तो है। म्यूजिशियन भाई इन लोगों के साथ इतना रहता है, इतना कम्युनिकेशन है, काफी लोगों के पास काम भी नहीं है। हर तरफ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम है, ऊपर से ये रमजान भी हमारे साथ है, तो जी अल्लाह बेहतर करे सब कुछ इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इसके अलावा आपके व्यूअर्स जो हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आपको बहुत बहुत कहना है। आसिफ आसिफा अली रोशनारा मोनी इज अ वेरी नाइस सिंगर एंड वेरी नाइस। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। क्लासिकल भी करती हैं, क्लासिकल सिंगिंग भी करती हैं? मैं सेमी क्लासिकल करती हूँ, क्लासिकल मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि क्लासिकल के लिए बहुत ही समय देना पड़ता है और क्लासिकल बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें इसको अगर आप ठीक तरह से ना निभाए तो जी। लोगों के साथ धोखा हो जाएंगे। क्लासिकल बहुत बड़ी एक जगह है, लेकिन गाने में क्लासिकल तो है, थोड़ा बहुत इल्म है इसलिए इस जगह में हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट क्लासिकल बहुत कम करती हूँ। अच्छा। असल में जोहरा जी, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। आजकल जो फंक्शंस होते हैं हमारी, हम एवरी वीक में वीकेंड में हम करते हैं प्रोग्राम, हमारे जो लिसनर्स हैं ज्यादातर सुकून लेने के लिए आते हैं फंक्शंस में, थोड़ा सा पंजाबी गाना सुनना पसंद करते हैं, मैडम जी की गजलें तो सुनते हैं, और साथ में नूरजहां, कभी नूरजहां की जी, आप, मैडम जी की मैंने गाना देखा है तो। तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए क्लासिकल सुनाने की एक थोड़ा सा माहौल होता है जहाँ पे सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं जो क्लासिकल वो सुनने आते हैं, इसलिए जी, क्लासिकल के साथ इतना वाकिफ नहीं हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मेरा गाने की ऑडियंस जो है मैडम नूरजहां जी की, जितने भी गाने पंजाबी मैं सुना, अगर आप इजाजत है तो मैं एक दो लाइन सुना दूंगी बीच में से, रमजान की वजह से तो हम इसीलिए ना हाँ जी इसीलिए हम ना नातों पे ही ठहरे हैं। तो उसके ही रहेंगे तो बेहतर रहेगा। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली तो इसके अलावा जो है, ये आप बर्मिंघम में ही होती हैं कहीं और? नहीं, मैं लंदन में हूँ, अच्छा, सेंट्रल आप लंदन लंदन। में होती हैं, सेंट्रल लंदन में, और आप जो प्रोग्राम्स करती हैं वो भी सारे सेंट्रल लंदन में ही होते हैं? नॉट नेसेसरी, मैं सारे मेरे काफी सारे फैंस हैं यूरोप में, जो ओह, मैं यो, अक्सर जी अक्सर मैं यूरोप में शो करती तो हूँ आप एवरी प्लेस टू मंथ प्लेस ट्रेवल करती हैं शोज करने के लिए? जी, मैं एक या दो दो तीन दफा में जाती हूँ यूरोप में शो करने, जैसे कि जर्मनी, मेरा जर्मनी में लास्ट शो था, नहीं हो सके अच्छा वो अच्छा था लास्ट लास्ट मार्च में, अप्रैल में था मेरा, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई कुडंट डू इट, तो लेकिन सारी यूके में मैं करती हूँ, जहाँ पे मुझे लोग बुलाते जाता वहीं पे मैं चले जाती हूँ, और म्यूजिक लवर्स हर तरफ हर जगह में है, जी अगर जी चांदनी जी में चले जाए उधर भी होंगे जी जी इसके अलावा ये आपने इसकी एजुकेशन, यानी इसकी एजुकेशन भी हासिल की है, या सिर्फ इस तरह से आप रियाज करती रहीं, काम के साथ साथ आप अपना ये रखा आपने, ये भी करती रहीं? हम यूके में, आपको सबको पता है कि यूके में लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल होता है, खास करके आपके पास जो एक बच्चे होते हैं, तो मेरे बच्चे के ऊपर परवरिश करने के लिए मेरे सारा समय मैंने दे दिया है, एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज अ डॉक्टर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस तरह की किसी टीचर्स के सहारा नहीं लिया है, सुन सुन के सीखी हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मैं उस्तादों के आसपास जा रही हूँ, उनसे सीख रही हूँ कैसे तलफ्फुज़ सही करना होता है, कैसे गजल को गाया जी, जाता है, आई माई मेरा मेन जो फील्ड है वो गजल है, अच्छा, जो सॉफ्ट सॉन्ग जो होते हैं आपकी वो सॉफ्ट। मैं जी वो मेरा पसंदीदा है वो मैं, और पंजाबी मैं सीख रही हूँ लोगों से, बहुत सारे मेरा दो तीन उस्ताद भी है जिनसे पंजाबी सीखती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में तुम जाओ और पंजाबी गाना ना गाओ तो तुम्हारे तो खैर नहीं है, जी तो और मुझे मजा भी आते है क्योंकि
बंगाली कम्युनिटी में मैं ज्यादातर फोक गाती हूँ, तो फोक सॉन्ग इज वेरी मच रिलेटेड टू दी पंजाबी सॉन्ग्स, जी पंजाबी जो स्टाइल ऑफ द सिंगिंग, नॉट द लैंग्वेज, द स्टाइल, तो इसीलिए पंजाबी सीखने को मुझे आई हैव टू लर्न अ लॉट. पंजाबी बहुत मुश्किल लैंग्वेज है मुझे लगता है. उर्दू तो ठीक है क्योंकि उर्दू इधर उधर उर्दू तो कर काफी लेते हैं, लोग लेकिन बोलते पंजाबी हैं, बहुत आपसे मुश्किल. लर्न करने के लिए भी आसान होती है। मैंने कहा जी उर्दू तो काफी लोग बोल रहे हैं और फिर आप सीख भी सकती हैं, वो तो आसान होती है, जी लेकिन हाँ जी पंजाबी तो मुझे भी खुद भी नहीं आती है। पंजाबी बहुत मुश्किल है. मुझे तो लगता है कि एक एक लफ्ज में इतना प्रेशर देना पड़ता है, स्पेशली वर्डिंग्स में. अगर आप सही प्रेशर नहीं देंगे तो वो सही वर्डिंग्स नहीं निकाल के आएंगे. तलफ्फुज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सिंगिंग स्पेशली. सिंगिंग, हाँ ये भी बात सही है, उसका एक एक वर्ड आपको देखना पड़ता है, फिर आपको उस तरीके से गाना पड़ता है। जी तो कुछ कोई और कलाम आप सुनाना चाहेंगे? मैं कोशिश करती हूँ. मुझे जबानी याद नहीं होता है हर गाने की, वही एक प्रॉब्लम है. नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हर इंसान को कोई एवरीथिंग तो याद नहीं होती है, वो भी देख के ही पढ़ रहे होते हैं सारी ट्रांसलेशंस में सब जगह। जी एक सेकेंड निकाल लेती हूँ. ठीक है, हाँ आ गया, दो आ गया. ये सबको आती है, मैं थोड़ा गा लेती हूँ. ठीक है. अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू. ये जमी जब ना थी, जहा जब ना था, ये जमी जब ना थी, जहा जब ना था, चाहे सूरज थी आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थी आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, तो न तब कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, तू मगर तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू. ये जमी जब न थी, ये जहाज जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राजे हक भी किसी पर आया जब न था, राजे हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, मगर तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू. सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ा, ये बहुत मशहूर भी फेमस भी हो रहा है और ये पढ़ा पढ़ा जा रहा है आजकल, वेरी नाइस, आपने बहुत जी अच्छे ये बहुत तरीके से मुश्किल है, वर्डिंग्स भी बहुत वर्डिंग मुश्किल है. भी काफी मुश्किल है। वो जब सुन रहे होते हैं, जी वो जी टीवी पे चल रहा होता है तो वो बड़ा इजी सा लगता है, लेकिन उसको परफॉर्म करना ये इट इज हार्ड। जी परफॉर्म करना काफी मुश्किल हो जाता है. जी मुश्किल होता है उसका, उसका डिफरेंट तलफ्फुज होता है, उसका तरीका होता है पढ़ने का, तो ये डिफरेंट हो जाता है। जी और इसके इसके अलावा आप जो है ये बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हैं, या आपकी पैदाइश वहां हुई थी यहाँ? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दी, जी फिर मेरे से कहिए पास भी प्लीज, आवाज कम हो गई है। जी फिर से आपने जी पूछ रही थी मैं कुछ, आप ही क्या कहा सुनाई. जी, कुछ आवाज आपकी भी कुछ कम लग रही है ना सुना। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है, आवाज आ रही जी अभी सुनाई दे रही है, बताएं अभी सुनाई जी। दे रही है.
हाँ जी, पूछ रही थी मैं आपसे, तो आपकी पैदाइश जो है वो बांग्लादेश में भी है या यहाँ पर आप आई हैं जी बाद मेरी में? पैदाइश बांग्लादेश अच्छा बांग्लादेश में अच्छा हुई है, और मैं काफी छोटी उम्र में, मैं 5 साल की उम्र में थी जब मैं इधर चले आई फैमिली के साथ। जी अच्छा अच्छा ये क्या काफी एम्बुलेंस की आवाजें आ रही है मेरे ख्याल से आपकी तरफ से, हॉस्पिटल कुछ हमारी तो करीब। लंदन है और हम तो सेंट्रल लंदन में रहते हैं, आपको तो पता है सबसे सेंट्रल सेंट्रल लंदन, और बहुत ज्यादा लोग असल में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा लंदन में लोगों की फौत हुई है मेरे ख्याल जी से। जी जी इस वक्त जो ज्यादा जो रेशियो चल रहा है वो वहीं पर ही जो है डेथ टोल बहुत ज्यादा है लंदन की तरफ, तो काफी बाहर भी निकले तो बहुत आवाजें आती हैं, लेकिन आपके उधर को ज्यादा ही आ रही है मैंने कहा पूछूं तो सही। जी, इसके अलावा कोई कलाम पेश करना पसंद करेंगे? मैं सुनाती हूँ, एक कसीदे मैं सुनाती हूँ, ओ जी, मुझे कसीदा, बहुत कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं उसको मेरे ख्याल से, यही है। जैसे कि मौला अली के शान में पढ़ सकती हूँ मैं। जी। अच्छा, क्योंकि आपकी इजाजत इसलिए ले रही हूँ कि ये तो हमें पढ़ सकते हैं ना हम जी। कसीदा तो पढ़ सकते हैं। आकाश अलमदार तेरी शान बरी है, हे वत मेरे मौला तेरे बिजली से कड़ी है। अब्बास अलमदार तेरी शान बड़ी है, हे वत मेरे मौला तेरे बिजली से कड़ी है। तुझ साने कई भी जमाने में बहादुर, माला तेरी अजमत की शोहरत से जड़ी। अब्बास अलमदार तेरी शान बड़ी है, हे बत मेरे मौला तेरे बिजली से कड़ी है। अब्बास अलमदार सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। आप इतना अच्छा सा वो लेती हैं, ये जो एक तरीके से उसको बोलते हैं उसका अंदाज बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस। वो काफी लंबा है, मैंने कहा छोटा कर दूं तो बात भी कर सकती हूँ आपसे बात करने को भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल मैंने एक चीज नोटिस किया है कि सिवाय फैमिली के कोई किसी के साथ फोन भी नहीं करता है आजकल। मुझे लगता है कि जमाना रमजान बंद हो गई है, तो सब कुछ बंद हो गई है। लेकिन मैंने पहले पहले शुरू शुरू में सबकी फोन करके खैरियत पूछी थी कि आप कैसे हो, ठीक हो, लेकिन मैंने देखा कोई किसी को फोन नहीं करता है, सिर्फ फैमिली। यही होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे योर फैमिली इज एवरीथिंग टू यू, भाई बहन जी, वही आपके सब कुछ होते हैं, फिक्र करते हैं आपके लिए। पेंडेमिक भी चल रहा है, इसके साथ साथ जो है वो रमजान भी आ गए हैं, तो लोगों का जो है ना रूटीन भी चेंज हो गया है ना, जैसे रूटीन रोज चेंज हो गई है। जी रूटीन भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, जैसे रात को फिर सहरी के लिए जाहिर सी बातें जागते हैं, फिर उसके बाद सोना ही होता है क्योंकि काम पर तो शुक्र है जाना कि नहीं। फेसबुक है, हम सबको देख सकते हैं फेसबुक के जरिए हाँ, सोशल मीडिया के जी जरिए जरूर देख सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि उठते हैं, फिर जाहिर सी बात है अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है, और फिर इतनी देर में खुल रहा है रोजे भी, अप्रोक्स 9 o'clock, जी बहुत ही लंबा है, बहुत ही तो काफी जो है जी। वो हो जाता है अल्हम्दुलिल्ला। लेकिन ये इसमें ये है कि रमजान में ये वैसे तो पाक दौड़ में ही चलता था, लेकिन अभी जो है बड़ा इबादतों का टाइम भी बहुत अच्छे से मिला है अभी और बहुत इबादतों का टाइम है हमें तो, मुझे जी। तो मुझे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं जॉब करके आती हूँ 3 बजे, घर आने के बाद जोहर की नमाज पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद थोड़ा सा तलावत करती हूँ, इसके बाद शरीर में जो वो टेंस हो जाते हैं बंदा, क्योंकि सारे दिन आपको पानी और बाद में आपको इफ्तारी बनाना, और हमारी हमारे लोग तो इफ्तारी बहुत ढाट से खाते हैं, आपको तो पता है मजा मजे के पकोड़े होना चाहिए, तो स्पेशली खास करके जब बच्चे रोजा रखते हैं तो आपको थोड़ा सा तवज्जो देना होता है, जी, ज्यादा ही करना होता एंजॉय करते हैं।
जी अलहमदुलिल्लाह जी, ये तो है कि रमजान में बच्चे खाने भी बड़े एंजॉय से खाते हैं और उनको पता भी चलता है हमारे ट्रेडिशन का, एवरी सिंगल थिंग का, कि किस तरीके से जो है वो अपने आप को रोकना है सारी चीजों से, तो बहुत अच्छा चलता है। जी इसके अलावा आप कोई नाच पेश करना चाहेंगी या कोई कला? मुझे इतना ज्यादा जिम में नहीं आ रही है आजकल, अभी मैं दो तीन लाइन करती हूँ, ठीक है? थोड़ा जी जी थोड़ा करके। जमाने को खुदा दिखला है, जमाने को खुदा दिखला रहा है, अलमा जमाने को खुदा दिखला रहा है, अलमा बास जमाने को खुदा दिखला रहा है। थैंक यू। बस शुक्रिया, यही है, बहुत सुर बहुत। सुर मेरे जहन से चले जा रही है, मेरा ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रही है, काफी दिनों कोई से बात ये नहीं, होता चर्चा भी है। नहीं थी। इसके अलावा आपके व्यूअर्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा कह रहे हैं कि आप सुमानुल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, और जो है सुमानुल्लाह खान कुछ कह रहे हैं, सलीम खान असलाम अस्सलाम वालेकुम, अलाउद्दीन साहब भी आपके लिए सलाम कह रहे हैं, सनम थैंक आपा यू सो सलीम मच। खान बेटा बासी भी आपके लिए सलाम भेजो, वेरी नाइस। इसके अलावा ये जो दूसरी ये जो नाते हैं उर्दू वाली, जहे मुकद्दर वगैरह, आप वो पढ़ती? मैं अभी तक अच्छा, उर्दू वाली नहीं नहीं। करती हूँ, मैंने अच्छा, इसके ज्यादातर अलावा क्या होता है ना हमारी, क्योंकि मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी में, मैं ये बता दूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए जी जी कि मैं जी जी पाकिस्तानी कम्युनिटी में 2014 से मैंने इंट्रोडक्शन हुई है मेरी, ओ तो माशाल्लाह, 2014 से 2000 अभी 2020 है, तो ट्वेंटी नॉट ओनली 6 years आई वुड से, तो इतने कम समय में मुझे इतने सारे गाना तैयारी करना पड़ रही है, क्योंकि पहले मैं नहीं गाती थी उर्दू गाना, तो आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड। लेकिन ट्वेंटी मैडम जी की मैंने मोर देन 30-40 पंजाबी गाना मैंने याद किया है, गजलें भी याद किया, इसके अलावा रेशमा जी की का मैं गाना गाती हूँ, इसके अलावा जी, मैंने देखा मैना है जी गाती जी, हूँ, काफी आपने नहीं जितने लोग भी का। सिंगर्स तो इंशाल्लाह जरूर रमजान के बाद आपके साथ सिंगिंग का कोई प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर हम बहुत जरूर सुनना करूंगी पसंद मैं, लेकिन करेंगे। मैं अब जी, कितने रमजान के बाद जरूर हम सुनना पसंद सुनाएंगी। करेंगे अपने अपनी नूरजहां के सॉन्ग्स और समथिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छा, आपका मैंने देखा है, उन्होंने बड़े अच्छे सॉन्ग्स आपने गाए हुए हैं उनके बारे में। जी थैंक यू। इंशाल्लाह, बहुत आपके बहुत शुक्रिया। वार्निंग्स कट करके मुझे जाती भी लग रहा है टेक्निकल इश्यू है कुछ, आवाज आपकी तरफ से जो है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा लाइव प्रोग्राम है तो ऐसा होता ही है जी। इसके। जी, तो फिर आप कुछ कहना चाहेंगी PPWS के लिए, तो हमारे प्रोग्राम का भी टाइम खत्म हो पहुंच रहा है। जी मैं इस बहुत शुक्रगुजार हूँ शबनम जी को और आपका भी, कि मुझे आप लोगों ने आपका इस बहुत बहुत प्लेटफॉर्म में शुक्रिया। थोड़ा सा मौका दिया है और मैं कोशिश किया है मैं, और थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं अभी मुझे सुन रहे, सबको रमजान की भी मुबारक और ईद का भी मुबारक। आगे ईद बहुत जल्द हम ईद मनाएंगे, और हम दुआ इंशाल्लाह, करते हैं कि हमारी जो आसपास की है कोरोना वायरस है वो हमसे दूर चले जाए और हम पहले जैसे सब मिल जाए, सब सबके जी साथ रूबरू इंशाल्लाह हम देख जरूर। सकते हैं, और दुआ करते हैं कि जो लोग दुनिया से चले गए उनको जन्नत नसीब करे, और जो दुनिया में है सबको सलामत रखे, और हमारे लिए भी प्लीज प्लीज दुआ करें, और जी खास करके NHS स्टाफ के लिए जो हमारे लिए इतना जी वी आर द ह्यूज। काम।
सुपर हीरोज। ये बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का, और बहुत ही अच्छी आपने नाते पढ़ी, और बहुत अच्छा लगा हमें आपको सुनकर, और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद करती हूँ। एक्चुअली हमारे पास मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। इसके अलावा जो है, बहुत बहुत शुक्रिया BPWS का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फ्राहम किया, जिधर हम अपने व्यूअर्स के साथ जो है बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, अच्छी मालूमात, अच्छे अच्छे लोग आप जैसे जो लोगों को बता सकें कि ये सिंगिंग के बारे में और इसके बारे में, नात रसूल मकबूल के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दस और शबाना आपका, और इसके अलावा जो टेक्निकल टीम जो हमारे पूरी काम कर रही है, BPWS के बहुत सारे लोग हैं, सॉरी ये माइंड नहीं करिएगा अगर मैंने नाम ना लिया बहुत हो, शुक्रिया, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत एफर्ट है इन लोगों की पीछे से ये सारा काम हो रहा है। चलें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत रमजान। शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। नाइस मीटिंग यू एंड वंस अगेन ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।